रामायण महाभारत का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये राजा विक्रमा जी की आराधना थी। 32 पुत्री ने जवाब मांगा, उन्हें जवाब नहीं दे पाए राजा विक्रमा जी। फिर उन्हें बोला कि माँ से कहने चलो, माँ से कहने आओ, माँ को पसंद का 32 तरह का पकवान बनवाया, माँ उनको पसंद हो गए, तो आज से राजा होगा। फिर 32 पुत्री ने फिर जवाब मांगा, सब सही सही जवाब देते चले गए। 32 पुत्री ने हाथ पकड़ के सिंहासन को उनको बिठा दिया, उन्हें आज से राजा हो गया। तो ये माँ के आशीर्वाद से वो राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा हुए। उसके बाद जो पूजा राजा विक्रमादित्य थी, तो उसको जो पूजा हुई नगर पूजा हो गई। अब राजा कलेक्टर साहब हैं, तो उन्हें वो देते हैं महाअष्टमी के दिन सतमी को भोजन बनता है, अष्टमी को नगर पूजा होती है। 8:15 भजन आते जो चलती है, तो पूरे उज्जैन का परिक्रमा लगता है। उस परिक्रमा में कम से कम 11 भेरू महाराज हैं और बाकी देवी उन्हें, और जहाँ उनको मदिरा का भोग दिया जाता है वहाँ मदिरा का भोग देते हैं, जिनको छठी पूजा दी है उनको छठी पूजा देते हैं। ये परिक्रमा पूरा 33 किलोमीटर का है। 8:15 हंडे भेरू है मंगलनाथ होते माँ मटकों की भोग देते। जो प्रसाद जो बचता है, जितने भी कर्मचारी हैं वो सब भले थोड़ा थोड़ा बचे, सब परिवार में बांट के प्रसाद खाते हैं। कहते हैं यहाँ श्रद्धालु रोते हुए आते हैं, यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, रोते हुए आते हुए हंसते हुए जाते हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि एक टाइफाइड की माला दी जाती है, वो पीले का भी कार्य होता है। एक जड़ी बूटी देते हैं, पानी में डाल के उसका पानी पियो, स्वस्थ हो जाता आदमी, 5 दिन में सही साथ हो जाता है। झाड़फूक में ये है कि कहीं घूम फिर जा रहा भैया में बाधा हो गई, उसके शरीर में भारीपन हो गया, झाड़ी डलवाने से ये कि उसका शरीर हल्का हो जाता है। ये जानने की ये विशेषता है। माँ माया माँ कौन कौन लोग यहाँ आते हैं? ये यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, उनको भी टाइफाइड होता है तो उनको भी दवा दी जाती है। मुसलमान के लोग भी ज़्यादा आते हैं, उनको भी दवा दी कोई ना। पे ये मंदिर ऐसा कि ना पे कोई भेदभाव कोई नहीं, सब तरह के लोग आते हैं। ईसाइयों का भी सब सब आते हैं, टोटल आते हैं, सभी को झाड़ा फूकी दी जाती है, वो सभी को जो है माला बांधा।